रंग बरसे रंग बरसे। नमस्कार दोस्तों, मैं संध्या भंडारी और मैं हाजिर हूँ लेकर एक और नया वीडियो। आज मैं नजफगढ़ में हूँ और आज हम बात करने वाले हैं होली पर कि हिंदुस्तानी हिंदुस्तान से क्या चाहते हैं। तो चलिए चलते हैं। हिंदुस्तानी आवाम होने के नाते आप हिंदुस्तान से होली पर क्या चाहते हैं? हमारा पहला कर्तव्य बनता है कि हम अपने देश के अंदर मिलजुल कर रहें। औरतों की इज्जत करना सीखो अपनी बेटी बेटियों को, ताकि हम अपनी बेटियों को घर से बाहर भेज सके। लोग गुलाल से या फूलों से होली खेलें ताकि पानी हमारे भविष्य के लिए बचा रहे। चाहते हैं प्यार, चाहते हैं गला मिलने, चाहते हैं। लेकिन नीरव मोदी जैसे लोग भी हमारे देश में हैं जिनकी वजह से बुराई ही जीतती चली जा रही है, जो जनता का पैसा खा जा रहे हैं, इस पर आप क्या कहेंगे? ये जो लोग गंदी राजनीति करते हैं और जो इलेक्शन पे इतना पैसा खर्च किया जाता है, उसको बंद करना चाहिए। तभी हमारे जो नेता हैं हमारे स्वच्छ राजनीति हमारे देश को दे पाएंगे, तभी हमारी बुराई पे अच्छाई की जीत हो सकती है, वरना नहीं। जो सरकार है वो भी कहीं ना कहीं तक जिम्मेदार है और आम जनता भी, जो जागरूक नहीं है इस चीज़ को लेके। बैंक में जो पैसा था वो किसका था? जनता का ही था, हमारा ही था। हमने ये थोड़ी ना सोच के दिया था कि वो बैंक वाले वो लेके भाग जाएंगे। तो मेनली मैं गवर्नमेंट को ही रिस्पॉन्सिबल मानती हूँ। आप कल्पना करें कि जो पिछले 4-5 साल से हम देश का शासन देख रहे हैं, मुझे नहीं लगता ये एक पहला ऐसा स्कैम है जो भी सामने आया है। 3 साल से ज़्यादा कोई भी व्यक्ति जो है बैंक के अंदर रह नहीं सकता। सरकार कांग्रेस की हो बीजेपी की हो, ये पैसा उनका नहीं है, किसी सरकार का नहीं है। ये हमारा आम आदमी का पैसा है, जो टैक्स पेयर है उनका पैसा है। ये किसी भी तरीके से इनको माल्या हो या फिर नीरव मोदी हो, इनको पकड़ कर लेकर आया जाए और इंडिया में, ताकि लोगों का पैसा वापसी आए। होली लड़कियों के लिए कितना सेफ है? कुछ लोग होते हैं जो गलत फ़ायदा उठाते हैं, उन्हें नहीं उठाना चाहिए। मैं तो मानती हूँ बिल्कुल नहीं, क्योंकि हम खुद ही जब स्कूल से आ रहे होते तो हमें भी यही है कि होली नज़दीक आ रही है, कोई बदतमीज़ी ना करते। अगर हम औरतों को महिलाओं को सुरक्षा नहीं दे पाएंगे तो हमारा जीवन में कोई भी कार्य विफल है। औरतें आज जहाँ सब हर एक काम में सबसे आगे निकल रही हैं, मैं मानता हूँ होली उनके लिए उतनी ही सेफ होनी चाहिए। देखिए सुरक्षित है, बस नज़रिया अपना होना चाहिए। मेरे नज़रिए में मेरी खुद के 3 लड़कियाँ हैं, मैं नहीं मानता ऐसा कि भी लड़कियों के लिए अनसेफ है, बस अपना नज़रिया ठीक होना चाहिए। नहीं है, सुरक्षित नहीं है, वो जितनी है मतलब बदमाशी होती है आजकल, और कुछ नहीं है। तो कहाँ कमी रह गई है? कमी यही रह गई, अपने इंसान के पास इंसानियत नहीं है। होली खेलने का सबसे सही तरीका क्या है आपकी नज़र में? रंग जाइए, सूखा रंग मलो, सिर्फ टीका लगाओ और जब पीपाओ और जयराम जी। होली खेलने के सही तरीका व्यक्ति की अपनी भावनाएं हैं। आपके लिए होली क्या मायने रखती है? मेरे लिए होली बुराई पर अच्छाई की जीत है। मन में देश भाव होते हैं, उनको बुलाकर हमें सबको अपने साथ लेकर चलना चाहिए। बहुत अच्छी मायने रखती है, भगवान श्री कृष्ण जी का जन्म मतलब वो है, होली खेली जाती है उसकी वजह से। लठ होली होती है, फूलों वाली होली होती है, सारी होली इतनी प्यार से मानी जाती हैं। वहाँ मथुराबंद वृंदावन में जाओ, इतना प्यार मिलता है जिसकी कोई अंत नहीं होती। हम बस ये चाहते हैं कि जितने भी लोग हैं वो लड़कियों की सेफ्टी करें और सबको हैप्पी होली। तो आज हमने यहाँ पर ये जाना कि होली किस तरीके से मनानी चाहिए, और हमने ये भी जाना कि होली पर बुराई पर कैसे अच्छाई की जीत होती है। आप हमें बताइए कि आज यहाँ पर हिंदुस्तान में किस तरीके से बुराई की जीत हो रही है। आज लोगों ने भी हमें बताया बहुत कुछ, आप भी हमें बताइए नीचे कॉमेंट करके। तब तक के लिए ये सोचिए कि हिंदुस्तान के लिए करना क्या है, क्योंकि अब कुछ कर दिखाना है। रंग बरसे रंग बरसे।